अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन, इंटरेस्ट इज़ द मनी रिटर्न टू द ओनर्स ऑफ कैपिटल फॉर यूज़ ऑफ देयर कैपिटल। या मैं बोल सकते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द कंपनसेशन पेड फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड कैपिटल। और ये जितनी भी इकोनॉमिक कैलकुलेशन है उसकी बेस है, क्योंकि हमारा मनी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और बाय डिफॉल्ट जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन है वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस होती है। अब हमारा जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड इज डेजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय यूनिट प्रिंसिपल इन ए यूनिट टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा एकदम सिंपल फॉर्म है कि जो कि कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट पे ओरिजिनल प्रिंसिपल पे हम लोगों को देना पड़ता है, कि जेड इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस एन आई फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, जिसमें हमारे पास एन ईयर के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतना होता है। हम लोग इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। सेकेंड आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी सारी इकोनॉमिक कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान ली आप लोगों ने पी पैसे बैंक में जमा किए, आपको पहली साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना, पी आई प्लस आपके टोटल अमाउंट हो गया पी प्लस पी आई। अब सेकंड ईयर के बाद देखते हैं तो कितना मिला, पी प्लस पी आई प्लस पी आई। बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारा पहली साल हमें इंटरेस्ट मिला था पी आई, उसे भी तो बैंक में एक साल हो गया तो हमें उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसलिए अपने पास एस टू क्या हो जाएगा, पी इंटू वन प्लस आई का होल स्क्वायर। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये हमारा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसमें हम लोग टाइम कंसिडर करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आता है, लेकिन हम लोग मग लेते हैं। तीसरा है हमारा एन्यूटी। एन्यूटी में हमारे पास क्या है कि एक एन्यूटी इज ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स अकरिंग एट इक्वल इंटरवल। क्लियर है, मान लिया आज, लेकिन इसमें ये है कि हम लोग एक साल बाद स्टार्ट करते हैं, कि अगर मान लिया मैं हर साल आर 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 अमाउंट एन ईयर तक जमा कर रहा हूँ तो मेरे पास फ्यूचर वर्थ ऑफ एन एन्यूटी होगी एस एन इज इक्वल टू आर बाय आई वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन एन्यूटी भी हम बता सकते हैं कि पी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस आई टू दी पावर एन इंटू आई। ये होता है हमारा प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्यूटी। गेट 2013 में या 14 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ये भी एग्जाम में आ चुका। तो एन्यूटी में एक साल बाद एन्यूटी स्टार्ट होती है। और एन्यूटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मान ली आज आप लोगों ने कोई प्लांट लगाया, एक हीट एक्सचेंजर है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है। अब हम इसमें मानते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हमें आज से ही 10 साल बाद का सोचना पड़ेगा। तो जब हम आज से ही 10 साल बाद का सोचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 साल में हर साल कुछ पैसा इतना इकट्ठा करेंगे कि 10 या कुछ हर साल बैंक में एक वर्किंग ईयर के बाद हम लोग बैंक में हर साल कुछ पैसा आर अमाउंट करेंगे, और वो आर अमाउंट हम लोग इस तरीके से करेंगे कि 10 ईयर्स में वो एक्यूमुलेट होके हमारे पास कितना आ जाए, 10 लाख। तो ये हमारे पास एन्यूटी का यूज़ होता है। इसके बाद हमारा आता है परपेचुटी। तो अगर किसी एन्यूटी को हम लोग इनडेफिनेट टाइम तक लेके जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, परपेचुटी कहलाती है। और अगर कोई ऐसी एन्यूटी है कि जिसमें फर्स्ट पेमेंट ड्यू है एक डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स के बाद भी, उसे हम लोग डेफर्ड एन्यूटी बोलते हैं। इज इट क्लियर। ये सारे हमारे पास इंटरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे। इन दिस स्लाइड वी विल गोइंग टू डिस्कस नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव सो मेनी कन्फ्यूजन्स बिटवीन दीज टू। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज डिफाइंड एज ए स्टेटेड इंटरेस्ट रेट। दिस इंटरेस्ट वर्क्स अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट एंड डज नॉट टेक इन टू अकाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, वेयर एज इफेक्टिव इंटरेस्ट इज द वन इन विच द कंपाउंडिंग पीरियड ड्यूरिंग ए पेमेंट प्लान। इट इज़ यूज टू कंपेयर एनुअल इंटरेस्ट बिटवीन लोन्स विद डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड लाइक वीक मंथ एक्सेट्रा। इन जनरल स्टेटेड और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट टाइम्स द नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर एंड द ओनली टाइम दैट द नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स आर इक्वल इज वैन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली
एंड आई इफेक्टिव इज कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 + r/m टू द पावर m माइनस 1 वेयर r इज द नॉमिनल रेट एंड m इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर।